गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक फ्रॉम योर मैथ्स बुक. द नेम ऑफ योर बुक इज कैलकुलेटिंग मैथ्स एंड द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज हैवी एंड लाइट. व्हेन यू ओपन द पेज नंबर 4 फ्रॉम योर बुक यू विल फाइंड दिस चैप्टर एंड रीड विद मी. व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? हैवी एंड लाइट. Heavy and light. Heavy means होता है भारी और light means हल्का. और आपको इस chapter में करना क्या है? आपको इन pictures को देखना है और आपको बताना है कि कौन सा object, कौन सी picture heavy है, picture में कौन सा object heavy है और कौन सा light है. तो जब आप शीशों पर झूलते हैं, आप झूलते हैं शीशों पर, आपके school में है, जब आप स्कूल में आएंगे तो आपको शीशों मिलेगा, तब आप देखेंगे कि जब आप शीशों पर बैठते हैं तो जो बच्चा हल्का होता है वो ऊपर उठ जाता है और जो हैवी होता है वो नीचे रहता है. तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है जो हल्का है वो ऊपर उठ गया है और जो हैवी है वो नीचे है. तो आप क्या करेंगे इस पिक्चर में? आप इन इसे टिक करेंगे, हैवी को राइट और जो है लाइट है उसको क्रॉस करेंगे. ओके चिल्ड्रन, अब आप नीचे आइए और देखिए कि यहाँ पर आप बता सकते हैं मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट हल्का है और कौन सा भारी है. विच वन इज़ हैवियर, विच वन इज़ लाइटर? यस यू कैन टेल मी, बिकॉज यहाँ पर देखिए आप यहाँ क्या देख रहे हैं? एक पिजन है और यहाँ पर क्या है? एक पिजन का फर है. तो आपने देखा है ना फर कितना हल्का होता है, उठ जाता है एकदम से हवा में. लेकिन पिजन थोड़े ना ऐसे उड़ता है, वो तो जब तक अपने विंग्स को नहीं यूज़ करता उड़ने के लिए तब तक नहीं उड़ पाता है ना. तो यहाँ पर क्या है, पिजन क्या है? हैवी है और जो आपका फर है वो लाइट है. तो यहाँ आप क्या करेंगे? पिजन को राइट टिक करेंगे और फर को रॉन्ग क्रॉस. आप देखिए, आइए नेक्स्ट पिक्चर पर. अभी जैसे समर थी तो आप लोगों ने खूब खाए होंगे ना वाटरमेलन. अब आप अपनी एक शर्ट लीजिए और अपना वाटरमेलन देखिए. वाटरमेलन बहुत हैवी होता है ना, कुछ कुछ तो इतना बड़ा होता है आप उठा भी नहीं पाते हो, राइट? और लेकिन शर्ट तो बहुत लाइट होती है, आप उसको आराम से पहन सकते हो. तो शर्ट कैसी है? राइट लाइटर है और जो वाटरमेलन है वो कैसा है? हैवी. तो अब आप क्या करेंगे? वाटरमेलन को राइट और शर्ट को क्रॉस करेंगे. क्यों? क्योंकि क्रॉस किसको करना है? जो लाइटर होगा. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर. यहाँ आप क्या देख रहे हो? देयर आर अ लीफ एंड अ लॉग. क्या होता है? लकड़ी का जो ये लंबा सा लट्ठा होता है उसको लॉग बोलते हैं, लॉग, LOG लॉग. तो ये लॉग है, देखा है ना लकड़ी के कितने बड़े बड़े होते हैं, आप नहीं उठा सकते उनको लॉग्स को. लेकिन लीफ तो बहुत हल्की सी होती है, आप उसको आराम से कैरी कर सकते हो. तो यहाँ पर क्या है? लीफ तो है आपकी लाइट, यानी इसको हम करेंगे क्रॉस, और लॉग क्या है? हैवी है. ओके, एंड नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर. देखिए यहाँ पर एक बुक है और एक काइट है. काइट आप सबने देखी है कैसे उड़ती है, फ्लाई करती है ना स्काई में. क्यों? क्योंकि वो बहुत हल्की होती है, बहुत लाइट होती है. लेकिन बुक थोड़े ना फ्लाई कर पाती है. आप अपनी बुक देखो, हैवी है ना, और ये वाली बुक तो और भी मोटी है आपकी बुक से भी, तो ये तो और भी ज़्यादा हैवी हो गई. तो जो हैवी है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम करेंगे राइट और जो लाइट है उसको हम करेंगे क्रॉस. इस तरह से आपको अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है विद द हेल्प ऑफ योर मदर. थैंक यू.